अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग। ठीक है, ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, इसको शॉर्मे में भी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें ये यूज़ की जाती है। ठीक है, इसको इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मायोनीज़ है 1 कप, ये मेरी घर की बनी हुई है, बाज़ार की नहीं ली हुई। ये केचप, ये भी मेरी घर की बनी हुई है, ये अभी मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, इसकी भी वीडियो बनाऊंगी अगर आपके फीडबैक्स अच्छे होंगे। ठीक है, ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये रेड चिली पाउडर लिया है, ये रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ये जो ब्लैक पेपर है ये भी मैंने घर में पीसा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने लिया अब पिंच। ठीक है, अब पिंच मैंने कैसे नापा है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखें, ये स्पून आता है, ठीक है, मेजरिंग स्पून्स हैं, ये स्पून्स आते हैं, आपको मिल जाते हैं बाज़ार से, इसके ऊपर लिखा हुआ है जस्ट अ पिंच। ठीक है, ये वाला स्पून मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास ये स्पून नहीं है तो आप एक चुटकी काली मिर्चें ले सकते हैं। ठीक है, और यह हाफ टी स्पून आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने यहाँ पर शुगर ली है, ये शुगर 2 टीस्पून है। ठीक है, और दिया है सॉल्ट अ पिंच है, उसी तरह से आप नापेंगे जैसे आपने ब्लैक पेपर नापा था। ठीक है, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरह से आपने ये सॉल्ट भी नापना है। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पास ये विनेगर है, विनेगर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये एक एक करके इसमें चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपने मायोनीज डाल दी 1 कप, ठीक है, 4 टेबलस्पून जो केचप है वो मैंने इसमें डाल देनी है। ठीक है, ये रेड चिली पाउडर है, ये मैंने डाल दिया सारा। ठीक है, ये ब्लैक पेपर है, ये डाल दिया, ये शुगर है, ये डाल दी, सॉल्ट डाल दिया और ये विनेगर भी डाल दिया। ठीक है, सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें, अब सिंपल आपने बस इसको मिक्स करना है, ड्रेसिंग आपकी रेडी है। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।